हे गाइस, हेलो एंड नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल नाकी बोल्स में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दिव्या और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मजेदार इन्फॉर्मेशन। आप सबके पास क्रेडिट और डेबिट कार्ड तो जरूर होंगे, उन सब में वीजा, रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि ये तीनों चीजें एक्चुअली है क्या और इन तीनों का डिफरेंस है क्या। तो सबसे पहली चीज हम चलते हैं थोड़ा पुराने जमाने में। कुछ साल पहले कोई एटीएम मशीन नहीं थी, कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं होते थे, कोई नेट बैंकिंग नहीं थी। तो क्या होता था, बैंक थी और कस्टमर था, ये कस्टमर था, ये बैंक में अकाउंट था। तो कस्टमर क्या करते थे, बैंक में जाते विड्रॉल्स लेते थे और इन रिटर्न बैंक में कैश लेते थे। पर प्रॉब्लम तब अराइज हुई जब ये बैंक का जो है कस्टमर बेस बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिस वजह से प्रॉब्लम क्या हुई कि बैंक के बाहर लाइन लगना शुरू हो गया, उस वजह से लोगों को दिक्कत हो गई। तब आया एटीएम और एटीएम मशीन का कंसेप्ट। सबसे पहले हमारे कंट्री में जो बैंक थी जिसने एटीएम मशीन इंस्टॉल किया या शुरू किया वो थी एचएसबीसी बैंक। अभी ये जो टॉपिक के डिटेल्स है ये मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया है, एटीएम वाले वीडियो में, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वो वीडियो जरूर देखिए, लाइक करें, सो दैट ये आपको कंसेप्ट समझ जाएगा और आप ये टॉपिक से रिलेट कर पाएंगे। तो एचएसबीसी बैंक ने क्या किया, एटीएम का इन्वेंशन कर दिया, एटीएम लगा दिया कंट्री में। तो जो हमारे यहाँ की बहुत सारी बैंक है, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब बैंक ने भी अपने अपने एटीएम निकाले, एटीएम मशीन इंस्टॉल कर दी अपने लोगों के साथ और उसके साथ कस्टमर्स को एक एटीएम कार्ड दे दिया। तो एक्चुअली होता क्या था कि फॉर एग्जांपल अभी ये एसबीआई का एटीएम है, तो ये मशीन पे एसबीआई का लोगो है, तो जो एसबीआई में अकाउंट होने वाला कस्टमर है, जिस कस्टमर का अकाउंट एसबीआई में है वो अपने कार्ड के साथ आएगा, एटीएम में कार्ड स्वाइप करेगा और इन रिटर्न उसको कैश मिल जाएगा। पर प्रॉब्लम कब होती थी, जब ये कैश वो शॉपिंग के लिए यूज करता था। फॉर एग्जाम्पल अभी एक कस्टमर ए है, वो गया एसबीआई के एटीएम में, उसने कैश विड्रॉ कर लिया, अभी उसे जाना था शॉपिंग करने, तो वो एक शॉप में गया, यहां पे एक मर्चेंट था द सेलर, उसका अकाउंट था एचडीएफसी में, तो ये ए ने जो कैश ली वो यहां गया, चीजें खरीदी और ये मर्चेंट को कैश पे कर दी। अभी ये कैश लेके ये मर्चेंट गया अपने बैंक में एचडीएफसी में और उसने फिर ये कैश डिपॉजिट की। तो ये इतनी लेंथी प्रोसेस थी जिसकी वजह से लोगों को फिर दिक्कत होना शुरू हो गया। तो फिर कंसेप्ट आया डेबिट कार्ड का। तो एक्चुअली ये डेबिट कार्ड का कंसेप्ट आया तो ये कैसे वर्क कर रहा था। सबसे पहली चीज कि जो एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है, राइट, अभी इन दोनों में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ये जो कस्टमर है उसका अकाउंट है एसबीआई में और ये जो मर्चेंट था उसका अकाउंट था एचडीएफसी में, फॉर एग्जाम्पल जो हमने लास्ट में देखा। तो इन दोनों को दिक्कत होना शुरू हो गया क्योंकि इसे फिर से कैश निकालना पड़ा, इसको करके कैश बैंक में डिपॉजिट करना पड़ा। तो प्रॉब्लम ये थी कि अल्टीमेटली इसको कैश इसके अकाउंट में डालनी है, एसबीआई से कैश अकाउंट में एचडीएफसी के डालनी है, पर ये सारी प्रोसेस थ्रू उनको जाना पड़ता था। तब इन सब का फायदा उठाया एक कंपनी ने जिसका नाम था वीजा और मास्टर कार्ड, दो ही अलग अलग कंपनीज हैं। ये है कंपनीज के नाम, वीजा आईएनसी और मास्टर कार्ड। इन लोगों तो ये वीजा आईएनसी थी 1958 में, ये कंपनी फाउंड हुई, इसकी हम लोग डिटेल्स देखेंगे। मास्टर कार्ड वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1966, दोनों यूएस की कंपनी है, ये है न्यूयॉर्क और ये है कैलिफोर्निया। ओके, तो ये जो दो कंपनीज थे इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने हर बैंक से टाई अप कर लिए। फॉर एग्जाम्पल SBI, HDFC,
लोगो छपवा दिया और उन्होंने बैंक के साथ टाई अप कर दिया। वीजा 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 मास्टर कार्ड इन दोनों ने। तो क्या हो गया, टाई अप होने के वजह से ये जो बैंक का डेटाबेस है, कस्टमर डेटाबेस, कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन है वो वीजा और मास्टर कार्ड वालों के नेटवर्क में स्टोर हो गए। ओके, इनके पास वो पूरी इंफॉर्मेशन आ गई। तो अब एक्चुअली बात क्या थी, ये जो डेबिट कार्ड का कंसेप्ट था, तो अगर एसबीआई को एचडीएफसी में, एसबीआई से फंड्स आपको एचडीएफसी में ट्रांसफर कर रहे, फंड ट्रांसफर करने हैं नेट बैंकिंग थ्रू या शॉपिंग करनी है, तो इन एनी ऑफ द केस कस्टमर और सेलर के पास तो बैंक अकाउंट्स रहेंगे, तो इनके पास बैंक अकाउंट्स रहेंगे, तो ये सब बन गए पेमेंट नेटवर्क्स, वीजा और मास्टर कार्ड। तो ये वर्क कैसा करता था, जैसे एक कोई कस्टमर है वो शॉपिंग करने बी के पास गया, दिस इज मर्चेंट, तो ये उसके मशीन पे अपना कार्ड स्वाइप कर देगा, अपना कार्ड स्वाइप करेगा उसकी मशीन पे, इवन दो इसका अकाउंट है एसबीआई का और इसका अकाउंट है एचडीएफसी का, तो भी ये इसकी मशीन पे स्वाइप कर देगा कार्ड, इसके अकाउंट से पैसे हो जाएंगे डेबिट, फिर वो पैसे जो डेबिट हो रहे हैं कि गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों हर बार
वर्क करता है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उन्होंने ये रुपए कार्ड लॉन्च किया इन द ईयर 26 मार्च 2012 में ये रुपए कार्ड लॉन्च किया, जो कि वीजा और मास्टर कार्ड का कॉम्पिटिटर था। इसका पर्पस क्या था कि हर बार एक कोई ए और बी में ट्रांजैक्शन हो रहा था तो उनका डेटा बेस फॉरेन कंट्री में जा रहा था, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए फॉरेन कंट्री जा रहा था, सिमिलरली वो एक हाई रेट ऑफ प्रोसेसिंग फी चार्ज करते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो, और इंडिया का जो पैसा है इंडिया में ही है तो ये प्रोसेसिंग फी बाहर वालों को क्यों मिले? तो इसीलिए गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ने रुपए कार्ड को लॉन्च किया 26 मार्च 2012। अभी क्या हो रहा है कि ये इंफॉर्मेशन एनपीसीआई के पास ही जा रही है, ये इंफॉर्मेशन एनपीसीआई के पास जा रही है, प्रोसेस हो रही है, वेरीफाई हो रही है और एक मिनिमल अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग फी ले रहा है जो कि इंडिया में है। इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमी को हेल्प हो रहा है, पैसा बाहर नहीं जा रहा है, इंडिया में ही है, दोनों बैंक में है और प्रोसेसिंग फी भी गवर्नमेंट के पास ही जा रही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा रुपए कार्ड का प्रमोशन करना शुरू कर दिया। तो बैंक्स को ज्यादा से ज्यादा बताया गया कि वो कस्टमर्स को रुपए कार्ड ही इश्यू करें, सो दैट उसमें इंडियन इकोनॉमी को फायदा हो और नुकसान ना हो और ये ट्रांजेक्शन हर बार प्रोसेसिंग के लिए बाहर ना जाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने रुपए कार्ड को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया। द ओनली प्रॉब्लम वॉज दैट कि अगर कोई रुपए कार्ड लेके फॉरेन कंट्री जा रहा है, ओके, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो एक्सेप्ट हो। जैसे मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड ने ग्लोबली हर जगह टाइप करके रखा था, वैसे रुपए कार्ड का टाइप नहीं था, नॉर्मल रुपए कार्ड प्लैटिनम का भी, रुपए कार्ड प्लैटिनम जो है, अगर आपके पास वो कार्ड है तो फॉरेन में भी वो एक्सेप्ट होता है, क्योंकि रुपए कार्ड प्लैटिनम वाला जो है उसने बाहर के बैंक से भी टाइप करके रखा है, तो उसके पास बाहर के फॉरेन बैंक का भी डेटाबेस अवेलेबल है, जिसके वजह से वो प्रोसेस करके प्रोसेसिंग फी चार्ज करके वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल करा सकता है। बट नॉर्मल रुपए कार्ड इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड ग्लोबली, वेयर वीजा एंड मास्टर कार्ड कैन बी एक्सेप्टेड ग्लोबली। द ओनली बेनिफिट ऑफ रुपे कार्ड इज दैट इट द प्रोसेसिंग फी एंड द डेटाबेस इज विद एनपीसीआई, तो ये प्रोसेसिंग फी बाहर नहीं जाती, जिसकी वजह से हमारे इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट होता है। तो मोस्टली जो गवर्नमेंट बैंक्स है वो ज्यादा से ज्यादा रुपए कार्ड इशू करती है रादर देन वीजा एंड मास्टर कार्ड, बिकॉज ये गवर्नमेंट का प्रमोशन है कि रुपए कार्ड ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए। इसकी वजह से मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड का नुकसान होना शुरू कर दिया, सो दे स्टार्टेड एडवर्टाइजिंग इट ऑन टेलीविजन एंड अदर सोर्सेस कि वीजा और मास्टर कार्ड ग्लोबली एक्सेप्ट होता है, वेयर रुपए कार्ड इज नॉट एक्सेप्टेड, दे हैव नॉट क्लियरली मेंशनड इट, बट कि ये ग्लोबली एक्सेप्ट होता है तो इसको ज्यादा यूज कीजिए। गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग कि रुपए कार्ड को ज्यादा यूज कीजिए बिकॉज इन ऑर्डर टू हेल्प द इंडियन इकोनॉमी। तो ये सब हो गया। अब आप हर बार नेट बैंकिंग करते हैं या आप शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कहीं किसी पीओएस टर्मिनल में कार्ड स्वाइप करते हैं, तो वो एक्चुअली प्रोसेस कैसी होती है कि आपके बैंक अकाउंट से, एक के बैंक अकाउंट से इन्फॉर्मेशन जाती है किसी पेमेंट नेटवर्क के पास, वो वेरीफाई करता है आपने बी के पीओएस पे स्वाइप किया या फिर बी के पास से कुछ खरीदा ऑनलाइन या फिर नेट बैंकिंग से उसको पेमेंट किया, तो ये सबसे पहले जाता है पेमेंट नेटवर्क के पास, वो ये ट्रांजैक्शन वेरीफाई करता है, बैलेंसेस चेक करता है, प्रोसेस करता है और फिर उसके बाद बी के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट होते हैं। इवन दो ये दोनों का बैंक अकाउंट डिफरेंट है, तभी भी ये पॉसिबल होता है और ये एक प्रोसेसिंग फी चार्ज करते हैं। तो अब इससे हमें समझ गया कि वीजा आईएमसी एक कंपनी है, पेमेंट नेटवर्क है, मीडिएटर है दो बैंक के अकाउंट में ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल कराने के लिए। सिमिलरली मास्टर कार्ड उसका कॉम्पिटिटर है, सिमिलरली रुपे कार्ड विच इज लॉन्च बाय गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ कॉम्पिटिटर ऑफ दीज टू। तो ये तीनों पेमेंट नेटवर्क्स है और ये है इन तीनों के बीच का डिफरेंस। तो जैसा कि आपने देखा कि ये बहुत ज्यादा मजेदार टॉपिक था, ये हमारे डे टू डे लाइफ में यूजफुल है बहुत,
बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं पर जनरल पब्लिक के लिए भी ये जनरल इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ज्यादा सकती है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे एक बहुत मजेदार इन्फॉर्मेशन। सो तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें कि आप नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या जानना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।